Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the part 4th of August 2019 current affairs compilation, and already hum 3 videos kar chuke hain. So this is the 4th video, and after 2 more videos August current affairs would be done. So please you subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the notifications and also share the videos. So start karenge, aaj hum page number 91 se 120 tak karenge. Okay, 30 pages पर डे का हमारा टारगेट है एंड ये हमें अचीव करना है. इसके साथ साथ आप इन्हें रिवाइज करें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके रनिंग नोट्स भी आप बना सकते हैं. तो इंडिया की एनएफयू पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं. तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, राजनाथ सिंह, उन्होंने हिंट्स दिए कि वो रिव्यू करने जा रहे हैं पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड कहा कि ये फ्यूचर के सर्कमस्टांसिस पर भी डिपेंड करेगा. इंडिया का एनएफयू है क्या? 1998 के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे पोखरण सेकंड के अंदर, एंड 2003 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो होगा बेस्ड ऑन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, एंड एक एनएफयू पॉलिसी भी बनाई ताकि राइट्स को रिजर्व किया जा सके ऑफ मैसिव रिटेलिएशन इफ स्ट्रक विद न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट. तो वट इज़ नो फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? तो ये एक प्लेज है, एक पॉलिसी है न्यूक्लियर पावर की कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम यूज़ नहीं करेंगे एज अ मीन्स ऑफ वॉरफेयर जब तक हमारे जो एडवर्सरी हैं वो पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से. तो ये कॉन्सेप्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर भी आता है. दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ऐसा टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. तो इससे आपका रिवीजन भी होगा एंड साथ में आप पाएंगे कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको अक्टूबर नवंबर में रिपीट होते हुए नज़र आएंगे. इंडिया ने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की थी सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण सेकेंड में 1998 में, एंड अगस्त 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट भी रिलीज़ किया डॉक्ट्राइन का, जो कि असर्ट करता था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सिर्फ डेटरेंस के लिए है एंड इंडिया उसको सिर्फ रिटेलिएशन के लिए ही यूज़ करेगा. मीन्स जब हमारा कोई एडवर्सरी हम पर अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन से तभी हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, वरना हम फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेंगे. सो इट विल नॉट बी द फर्स्ट जो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक फर्स्ट करेंगे बल्कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे. ओके, एंड ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था. नाउ व्हाई इंडिया, इंडिया को ये पॉलिसी क्या रिटेन करनी चाहिए? चाहिए तो क्यों? क्योंकि जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उससे जो न्यू दिल्ली है वो अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को हाई मेंटेन करके रख सकते हैं, खास करके पाकिस्तान जो कि कोशिश करता है एंड वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं जैसे कि हाफ्ट 9 जिसकी 60 किलोमीटर रेंज है. तो हमें नोट करना होगा कि न्यू दिल्ली जो है वो बॉर्डर्ड नहीं है बाय जस्ट वन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एंड चाइना ने भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपनाया हुआ है एंड काफ़ी बार वो बीजिंग को भी बोलते हैं कि रिवाइज़ किया जाए नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन एंड इट इज़ अनलाइकली टू डू सो. तो अगर दिल्ली जो है वो गिव अप नहीं करेगा अपना नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन तो उसे बीजिंग को चांस मिलेगा कि वो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी ले ले एंड ब्लेम करें इंडिया पर. तो इसलिए न्यू दिल्ली को गिव अप करना ही होगा अपना नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, ओके, ताकि हमें बीजिंग को चांस देना ना पड़ जाए. तो इंडिया का जो अडॉप्शन है वो एक ईजी, अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को यूज कर लेंगे तो बीजिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो भी अपना नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन जो है वो लीव कर देंगे. किसके खिलाफ? यूएस एंड रशिया के खिलाफ. तो मोर ओवर इंडिया ने प्रमोट किया है अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एंड जो फर्स्ट स्ट्राइक होगी पॉलिसी इट, इससे इंडिया की रेपुटेशन भी डैमेज होगी. सो दिस इज़ द पॉइंट. एंड इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन है इससे पाकिस्तान एंड जो इंडिया है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को भी मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर नॉट मेटेड विद डिलीवरी सिस्टम एंड दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंटल लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर वेपन. जो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी थी इंडिया के थ्रू अगर होगी तो इट मे नॉट हैव अलाउड पाकिस्तान टू कीप देयर न्यूक्लियर आर्सेनल इन अ डी मैटेड पोस्चर. तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊँ, क्योंकि हम डीमेटेड पोस्चर पढ़ रहे हैं, डेटरेंट पोस्चर पढ़ रहे हैं, तो आपको इनसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. बस इतना ध्यान रखिए कि इंडिया अपना नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन के साथ बनी रहेगी, एंड अगर इसके साथ बनी रहेगी तो पाकिस्तान की इतनी
एक बोल सकते हैं कि हिम्मत नहीं है कि वो हम पर कुछ न्यूक्लियर वेपन से कुछ भी अटैक कर सके। तो हमारे अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक कर देंगे तो उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो हमें पहले फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी होगी इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूज़ करेंगे, तो उससे पाकिस्तान भी प्रोवोक होगा एंड वो भी इंडिया के खिलाफ फिर न्यूक्लियर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। इसलिए जैसे न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि अगर युद्ध होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन युद्ध का पहले आगाज़ करना इज़ नॉट एट ऑल, आप मतलब उसको साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर पाकिस्तान भी अटैक करेगा। तो अगर हम नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है, न्यू दिल्ली हैज़ मेड इट एविडेंट दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर इंडीड द वेपन्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना ये आपका, जैसे बोलते हैं ना, जब आपको कहीं से लोन नहीं मिलता तो लास्ट जो आपका लोन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आपके रिजर्व बैंक से, जैसे वो लास्ट रिजॉर्ट है। तो सिमिलरली है, जब आप किसी चीज़ से काम नहीं हो पा रहा है आपका, तब आप न्यूक्लियर वेपन पे जाते हैं, तो पहले से ही न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इंडिया ने यही माना है कि कॉन्फ्लिक्ट के केसेस के अंदर वी शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन। नाउ वी विल रीड अबाउट बेसिक कंट्रीज। तो बेसिक है क्या, बेसिक जो है इट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट साइन बाय फोर कंट्रीज, चार कंट्रीज ने इसको साइन किया था 28 नवंबर 2009 को। एंड इसमें फोर कंट्रीज कौन सी हैं, आपको इसी से बेसिक से ही आप अंदाजा लगाइए, बी से ब्राजील, ए से आपका हो जाएगा अफ्रीका, ए एस से आपका हो जाएगा अफ्रीका दैट इज साउथ अफ्रीका, एंड आई से आपका इंडिया, एंड सी से आपका चाइना। तो ए एस है उल्टा, लेकिन आपको इसको उल्टा करके समझिए, एस से साउथ अफ्रीका से। तो बेसिक कंट्रीज़ ने रिसेंटली अपनी 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्लाइमेट चेंज पर की, कहाँ, साओ पोलो ब्राज़ील के अंदर। एंड इसके अंदर आप क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुपिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी साइनेटरी नेशंस होंगे उनकी यही कॉमन पोजीशन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसको कम करना है, फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। जो बेसिक कंट्रीज़ होंगी ये वन ऑफ द पार्टी हैं इन कोपनहेगन एकॉर्ड, जो कि यूएस लेड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग भी है, एंड विच इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। जो बेसिक कंट्रीज हैं वो कंसिडरेबल की जाएंगी बिकॉज, क्योंकि साइज ऑफ इकोनॉमीज एंड पॉपुलेशन को देख के। देन ये जो सभी कंट्रीज हैं, ये जो आपकी चार कंट्रीज हैं, इसे 1/3 वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है एंड 40% यहाँ पर पॉपुलेशन भी रहती है। सो इट इज़ वन ऑफ द सेवरल ग्रुप्स जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, ठीक है, एंड उन नेगोशिएशंस पे काम कर रहे हैं जो आपके UNFCCC के अंदर भी है। इस ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या है, जो IPCC स्पेशल रिपोर्ट है 1.5 डिग्री सेल्सियस रिलीज इन अक्टूबर लास्ट ईयर, तो ये जो ग्रुप है ये अपनी फाइंडिंग्स को मतलब देख रहा है कि हाई वल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे, एंड उनको बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट भी लगेगी दोबारा से अडेप्ट होने में। तो IPCC की जो स्पेशल रिपोर्ट थी ग्लोबल वार्मिंग में, उसने क्लियर कर दिया था कि जो इम्पैक्ट्स होंगे कैटेस्ट्रॉफिक के, वो 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकते हैं एज दोज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो बेसिक मिनिस्टर्स हैं, अभी हमने कहा कि जो पेरिस का गोल है वो तो यही है ना कि 2 डिग्री सेल्सियस, एंड कोशिश यही की जा रही है कि लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो बेसिक कंट्रीज ने उनके कुछ नेचुरली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC में पूछा भी जा चुका है, दैट व्हाट आर नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये वो होते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने की बात कही जाती है, इन द एंड एक हाई लेवल ऑफ एम्बिशन अचीव करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसके मैं दोबारा आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी बिकॉज दिस वी हैव आई थिंक ये हम थर्ड या फोर्थ टाइम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट एडिशन रिलीज हो गया है, इंडिया की पोजीशन ध्यान रखिएगा, पहले 81 थी अब 86 है। ओके, ये ग्लोबल रैंकिंग है कंट्रीज़ की कि कितना आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, एंड इंडेक्स जो है वो डाटा गैदर करता है आईटा से, दैट इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, एंड इसमें वीज़ा पॉलिसी चेंजेस सब देखते हैं। 2006 में ये स्टार्ट हुआ था एज हैनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, एंड फिर इसको
हैनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो नाम दिया गया जनवरी 2018 के अंदर। तो यही है कि आप कितनी टेरिटरीज में एंटर कर सकते हैं बिना वीज़ा के। इंडिया का स्कोर जो है वो 58 है, एंड इसके अंदर जो दिस इज सेम एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन एन एवरेज कुड ट्रैवल टू 13 ईयर्स अगो। 2006 के अंदर जो हम थे वो 58 डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर सकते थे विदाउट नीडिंग अ वीज़ा। सो इंडिया जो है वो बेस जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनसे लोअर पोजीशन पे रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ही सिर्फ ओनली इंडेक्स नहीं है बल्कि इसके अलावा आपका आर्टोन पासपोर्ट इंडेक्स भी है जो यूएई के पासपोर्ट को देख रैंक करता है एट रैंक 1 एज़ पर इट्स रिसेंट मोस्ट रिसेंट रैंकिंग्स। ठीक है, तो आर्टोन पासपोर्ट इंडेक्स भी ध्यान रखिएगा। नाउ स्कोप फॉर थर्ड पार्टी मीडिएशन इन कश्मीर, तो पीएम ने रिजेक्ट कर दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा कश्मीर में। एंड मोदी ने इसीलिए ये बात कही जब उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया अलॉन्ग साइड US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि वो जो कश्मीर इशू है वो डिस्कस करेंगे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट इन द फ्रेंच टाउन ऑफ बियारिट्स। तो ट्रंप ने कहा कि वो मीडिएशन करने की कोशिश करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। बैकग्राउंड क्या है, इंडिया ने कहा कि जो आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना है वो एक इंटरनल मैटर है, एंड पाकिस्तान को भी सलाह दी कि वो भी रियलिटी को मान ले। मीडिएशन होता क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी के अंदर कोई भी फ्रेंडली इंटरफेरेंस करना, दैट इज कॉल्ड मींस टू एडजस्ट विद डिफिकल्टीज। प्रीवियस इंस्टेंसेस क्या है मीडिएशन के, तो जो US का ऑफिस ऑफर है कश्मीर डिस्प्यूट में वो न्यू नहीं है, पहले भी वो ऐसे कर चुका है। एक इंडस वाटर ट्रीटी, दोनों नेशंस जो थे वो एग्री हो गए थे एग्रीमेंट के लिए थ्रू थर्ड पार्टी मीडिएटर्स इन केस ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी एंड द नेगोशिएशंस ऑफ रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट। देन रन ऑफ कच्छ अकॉर्ड, इसको मीडिएट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ने, हैरोल्ड विल्सन ने। देन 1965 जो इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो USSR ने मीडिएशन एफर्ट्स किए थे, एंड एक तशकिंत डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था उज़्बेकिस्तान के अंदर। नाउ इंडिया का जो रिलक्टेंस है कि थर्ड पार्टी इंटरविन ना करे, क्या ये जस्टिफाइड है? तो देखिए 1947 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान तीन लड़ाइयाँ कर चुका है जिनमें से जो टू है वो कश्मीर के लिए ही हैं। तो अगर हम जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कश्मीर जो है उसको आप कंपेयर मत कीजिए इंडस वाटर ट्रीटी से या रन ऑफ कच्छ से या फिर 1965 की इंडो पाकिस्तान मीडिएशन से। इंडिया ये भी आर्ग्यू करता है कि मीडिएशन के कोई चांसेस नहीं होंगे बेटर करने के देन बायलेटरल एग्रीमेंट्स, जैसे कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 का। इंडिया के स्टैंड पॉइंट से कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम ही रहेगा, एंड जो थर्ड पार्टी मीडिएशन होगी तो अमेरिका जो है वो उसे एज अ वर्ल्ड सुपर पावर इम्पोज कर सकता है सॉल्यूशन ऑन कश्मीर जो कि इंडिया स्टेट्स पोजीशन के खिलाफ हो। तो कुछ कंसर्न्स जो हैं वो एंटायरली विदाउट बेसिस होने चाहिए। यूएन का जो रिजोल्यूशन है कश्मीर के लिए हैव हिस्टोरिकली बीन अ डिप्लोमेटिक इम्ब्रोग्लियो फॉर इंडिया। तो क्लियरली न्यू दिल्ली डज नॉट वॉन्ट टू सेट अ फॉरन पॉलिसी प्रेसिडेंट। तो अब क्या करने की ज़रूरत है, कश्मीर जो डिस्प्यूट है वो देखिए कम से कम 70 सालों से चली रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं इसके लिए, काउंटलेस लाइव्स जो हैं वो लॉस्ट हुई हैं। दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर आर्म्ड है एंड डेंजर भी है, जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक के अंदर एंड स्किरमिश टर्निंग के अंदर देखा भी गया था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान को ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहिए एंड एक म्यूचुअल ट्रस्ट के थ्रू इसको न्यूट्रल प्लेयर की तरह सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट सॉवरेनिटी के एंड जो नॉन इंटरफेरेंस के वो डिक्टेट करते हैं कि मीडिएशन को इम्पोज्ड नहीं कर सकते, ये बेनिफिशियल होना चाहिए, नॉन कोएर्सिव होना चाहिए एंड कॉम्पेटिबल होना चाहिए विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ चाइनाज वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, तो ये हांगकॉन्ग से रिलेटेड है, अगेन दिस वी हैव डन मैनी अ टाइम्स, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी। ये एक्स्ट्रा डिटिशन बिल के लिए हुआ है एंड प्रोटेस्ट हुए हांगकॉन्ग में 13th कंजेक्यूटिव वीक को, क्योंकि एक पुरानी पॉलिसी चलती आ रही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, दैट इज़ एक कंट्री एंड टू सिस्टम। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि बीजिंग जो है वो उनकी पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी को छीन कर। तो वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच क्या है, तो ये जो हांगकांग और जो मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं ये फॉर्मर कॉलोनीज हैं, इनके डिफरेंट ईपी है, ईपी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इनके अलग है मेनलैंड चाइना से। एंड इसको डेन जियोपेंग ने स्टार्ट किया था ताकि वो चाइना एंड ताइवान को यूनिफाई कर सके। 19 दिसंबर 1984 को चाइना और यूके ने
एक डिक्लेरेशन साइन किया, दैट इज सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन बीजिंग के अंदर, जिसमें कहा गया कि जो ऑटोनॉमी होगी, जो लीगल इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट सिस्टम होंगे हांगकॉन्ग के 1997 के बाद, उसके बारे में डिसाइड किया गया था। देन 26 मार्च 1987 को चाइना एंड पोर्टुगल ने भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ मकाऊ, जिसमें चाइना ने प्रॉमिस किया कि फॉर द रीज़न ऑफ मकाऊ आफ्टर इट वॉज हैंडेड ओवर टू बीजिंग। तो हांगकॉन्ग जो है वो चाइनीज़ कंट्रोल में आया 1 जुलाई 1997 को, एंड मकाऊ की जो सॉवरेनिटी थी वो ट्रांसफ़र हुई 20 दिसंबर 1999 को। दोनों ही रीजन्स के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, चाइना की खुद की करेंसीज हैं, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम है, डिफेंस और जो डिप्लोमेसी है वो बीजिंग डिसाइड करता है। ठीक है, तो डी डी ध्यान रखिएगा, डी डी कौन डिसाइड करता है? बीजिंग। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 50 साल के लिए वैलिड रहेंगे, यानी कि 2047 तक हांगकांग के लिए एंड 2049 तक मकाऊ के लिए। तो ये अनक्लियर है, तो ये आप देख सकते हैं। पहले तो इस छोटी डायग्राम के अंदर देखिए, ये ताइवान है, ये आपका चाइना है, ओके। एंड अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये है आपका हांगकांग एंड ये आपका मकाऊ। ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में है, जबकि चाइना किस में है? येलो कलर में है। तो इनकी बस जो डिफेंस, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या ध्यान रखना है, डी डी ध्यान रखना है, दैट इज़ डिफेंस एंड डिप्लोमेसी जो है वो बीजिंग डिसाइड करेगा। बाकी सभी जो ई पी, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल सिस्टम, वो लोग ये खुद डिसाइड करेंगे। तो हांगकॉन्ग एंड जो मकाऊ है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं चाइना के। करंट इशू कैसे बढ़ा? रिसेंट ईयर्स में आउटगोइंग जो हांगकॉन्ग की जो प्रो डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी थी, वो ये कह रही थी कि जो चाइना है वो सिटी की ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश कर रहा है, तो इससे टेंशन क्रिएट हो गई थी। अगेन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, वी हैव डन दिस मेनी अ टाइम्स। अगेन मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन, ये फ्रेंच से विद हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट की किस तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील को देखा जाए, तो 8 मई 2019 को ईरान ने कहा था कि वो जो कमिटमेंट हैड उसको पूरा करने से मना कर दिया कि सेल ऑफ 300 kgs ऑफ यूरेनियम, जैसा कि डील में कहा गया था। 7 जुलाई को ईरान ने अनाउंस किया कि वो अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं करेगा, कि वो एनरिच करेगा यूरेनियम को एट 3.67% एंड दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेगा अराक हैवी वाटर रिएक्टर फैसिलिटी को। जो 60 डे की डेडलाइन थी वो भी 7 सितंबर को एंड हो गई है। अब तो ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी? ईरान ने न्यूक्लियर डील की थी 2015 में यूके, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ। एंड इस JCPO के अंदर जो तेहरान था वो एग्री हुआ था कि वो अपने सेंट्रीफ्यूजेस को कम करेगा, यूरेनियम एंड हैवी वाटर को एनरिच करेगा, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आते हैं। JCPO ने एक जॉइंट कमीशन बैठाई एंड सभी नेगोशिएटिंग पार्टीज़ ने वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी। अब ईरान इस डील के लिए एग्री क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहे थे यूएन, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, जिससे उनका जो एक्सपोर्ट एवेन्यूज थे वो लॉस हो गए। सो दैट्स वाई। अब यूएस ने इससे क्यों पुल्ड आउट किया? क्योंकि ट्रंप एंड जो उसके ओपोनेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए एसेस दिया, लेकिन ईरान का सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जो यूएस के जो कंसीडर टेररिस्ट है लाइक हमास एंड हेजबुल्ला, ईरान उनको सपोर्ट करता है। एंड ये इन्होंने ये भी कहा कि इट डज नॉट कव्स ईरान डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड दैट द डील फेजेज आउट बाय 2030। अब इस टेंशन का, ईरान एंड यूएस की टेंशन का क्या असर होगा? ईरान जो है वो चीज़ें मुश्किल कर रहा है यूएस के लिए अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में। यूएस की जो एबिलिटी है रशिया के साथ काम करने की इन सीरिया एंड विद चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये भी इम्पैक्ट होगी, क्वेश्चंस उठेंगे। एंड कमिंग आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो जो पेरिस क्लाइमेट चेंज रिकॉर्ड है या जो नाफ्टा है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो यूएस क्रेडिबिलिटी को भी क्या करेगा? कम करेगा। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? एक तो ऑयल एंड गैस जो इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड ऑयल प्राइजेस का, वो इमिडिएटली विजिबल होगा यूएस डिसीजन पे। ईरान जो है वो प्रेजेंटली इंडिया का थर्ड बिगेस्ट सप्लायर है इराक एंड सऊदी अरेबिया के बाद। एंड चाबहार पोर्ट जो है वो उस पर असर पड़ेगा। INSTC जो न्यू यूएस सैंक्शंस होंगे वो भी INST सैंक्शन को भी अफेक्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। देन शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना जो है वो कोशिश कर रहा था कि ईरान को इंडक्ट किया जाए SCO में, तो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है SCO विच इज़ लेड बाय चाइना एंड रशिया, तो इंडिया भी मेंबर बन जाएगा ब्लॉक का एंड उसे एक एंटी अमेरिकन की तरह देखा जाएगा।
देन रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो JCPO से वॉकआउट करने के लिए जो US गवर्नमेंट है उन्होंने इस परसेप्ट को ओवरटर्न कर दिया कि ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है दीज आर मेड बाय स्टेट्स नॉट जस्ट द प्रिवेलिंग गवर्नमेंट्स और रेजाइम्स। UN सिक्योरिटी काउंसिल इसके अंदर क्या कर सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन अडेप्ट किया था 2015 में जो कि इंडोर्स करता है न्यूक्लियर एग्रीमेंट को एंड एंड करता है UN सैंक्शंस को अगेंस्ट ईरान। जो रिजोल्यूशन है 2231 एक स्नैपबैक प्रोविजन भी बताता है जो कि री इंस्टेट करता है उन सैंक्शंस को इफ अदर पार्टीज कंप्लेंट विद ईरान वॉज चीटिंग। नाउ US स्पेस कमांड, तो ये US ने अपना स्पेस कमांड लॉन्च कर दिया, ये न्यू US मिलिट्री कम्बाटेंट कमांड है, ये उनका 11th कॉम्बेटेंट कमांड है एंड इट विल इंश्योर कि जो चाइना का डोमिनेंस है स्पेस में वो कभी क्वेश्चन ना उठ पाए उस पर एंड इसको फॉलो करेगी UN की US की स्पेस फोर्स जो कि 6th ब्रांच है US की आर्म्ड फोर्सेस की, ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे वॉरियर्स को कि वो स्पेस कमांड मिशन को सपोर्ट कर सके। अब ये गुड आइडिया क्यों नहीं है, क्योंकि एक अगेन एक दूसरा मिलिट्री वॉर्म है जो कि कंपाउंड करेगा ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस को फेसिंग द US आर्म्ड सर्विसेज एंड इट वुड अंडरकट ऑनगोइंग मिशंस एंड इट वुड वेरी वेल इंक्रीज बजटरी एलोकेशन इन द फ्यूचर। स्पेस कोर्प्स जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं अमेरिकन एफर्ट्स को भी इन द डोमेन ऑफ जॉइंट वॉरफेयर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। तो US ने विड्रॉ कर लिया है इससे, पहले देख लेते हैं ये है क्या, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये एक ट्रीटी थी USA के बीच में एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बीच में कि एलिमिनेट करना है इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्टर रेंज को। ये 1987 का आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन। इस ट्रीटी के अंदर जो US है एंड जो USSR है वो कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 3 ईयर्स वो एलिमिनेट कर दें सभी ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल्स को जो 500 से 5 5500 किलोमीटर रेंज की हैं एंड ना ही ऐसी को कभी फ्यूचर में बनाए। US ने डिस्ट्रॉय की अपनी 846 पर्शिंग IAs एंड ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स एंड USSR ने 1846। तो इशू क्या है, US अभी विड्रॉ हो गया इस ट्रीटी से। US जो था वो दिसंबर लास्ट ईयर में अनाउंस किया कि वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको सस्पेंड करते हैं इन द INF ट्रीटी बाय Feb 2 एंड कहा कि रशिया जो है वो चीट कर रहा है एंड जब तक मॉस्को जो है वो एंटर नहीं करेगा मींस कम कंप्लायंस के साथ नहीं आएगा। US गवर्नमेंट ने कहा कि जो नई रशियन की जो मिसाइल है वो इन प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे हैं जिसके अंदर कहा गया था कि लैंड क्रूज मिसाइल्स को ना बनाया जाएगा, ना टेस्ट किया जाएगा, ना डिप्लॉय किया जाएगा। तो क्या होगा अगर ट्रीटी नहीं होगी, तो इट इज़ अनक्लियर क्योंकि जो INF है, INF प्रोहिबिटेड जो सिस्टम्स हैं US को डिप्लॉय टू यूरोप और एशिया एंड US की जो मिलिट्री है वो भी डेवलप्ड नहीं है एंड वो डेवलप भी नहीं कर रहे हैं कोई भी लैंड बेस्ड मिसाइल्स। सो ये बस आप इतना ही ध्यान रखें इसके अंदर एंड थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखें इसके अंदर जो 2010 का न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो गवर्न करती है US एंड रशिया को, ठीक है। तो ये भी आपके स्ट्रैटेजिक जो आर्म्स थी ये भी हमने काफ़ी बार कर लिया है। नाउ UNIDO, तो UNIDO एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करने जा रहे हैं फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इन बेनिफिशियरीज इन द सोलर थर्मल एनर्जी सेक्टर। NISE एंड UNIDO ये नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाया जा सके बाय डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मटेरियल। ओके, ये जो एग्रीमेंट होगा ये ऑनगोइंग MNRE GEF UNIDO प्रोजेक्ट का पार्ट होगा जिसे जॉइंटली लॉन्च करेंगे UNIDO एंड सपोर्ट करेंगे कि जो टेक्निकल मैन पावर है उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो पाए, स्किल डेवलप हो पाए, खासकर इन कॉन्सनट्रेटेड सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स दैट इज़ कोल, डीजल, फर्नेस, ऑयल इनको रिप्लेस किया जा सके, कॉस्ट को सेव किया जा सके। UNIDO है क्या, UNIDO एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ताकि पावर्टी को
रिड्यूस किया जा सके, ग्लोबलाइजेशन अचीव हो सके, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रह सके। एंड ये यूएनडीपी का भी मेंबर है। 1 अप्रैल 2019 को 170 स्टेट्स जो थे वो मेंबर्स भी थे यूएनआईडीओ के, एंड मेंबर्स रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन्स में भी। एंड मिशन जो है वो लीमा डिक्लेरेशन के भी बाद बताया गया था एंड इसे अडॉप्ट भी किया गया था 15 सेशन में भी 2013 में, कि प्रोमोट करना है एंड एसेलरेट करना है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। यूएनआईडीओ का जो मैंडेट है वो फुली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था एसडीजी 9 में, जिसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए, प्रोमोट कीजिए इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड फास्टर फोस्टर करना होगा इनोवेशन को। यूएनआईडीओ के जो प्रोग्रामेटिक फोकस है वो 4 स्ट्रैटेजिक के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्रिएट करना शेयर्ड प्रोस्पैरिटी, देन एडवांस करना इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, देन सेफगार्ड करना एनवायरनमेंट को, एंड स्ट्रेंथन करना नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस को। नाउ यूएन पैलेस्टाइन रिफ्यूजी एजेंसी, अगेन वी हैव डन दिस मेनी अ टाइम, सो यू रीड इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आप सभी वीडियोस देखें क्योंकि हमने काफी बार कर लिया है। नाउ यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, तो ये भी देख लीजिए, इंडिया ने इसको साइन कर लिया है। मैं रिपीट कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, जो कि रिजल्ट हुआ मीडिएशन से 20 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी कहा गया है, ठीक है। बाकी ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, एंड इससे आप न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी ध्यान रखिएगा, कमर्शियल एक्ट 2015 के जो कि अमेंड किए गए एंड फर्दर अमेंड करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 को भी। नया चैप्टर 3A भी इंसर्ट किया गया था कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में भी, ठीक है। नाउ स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड, तो इंडिया ने 1 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो दिए यूएन स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड के लिए फॉर द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्कीम, जो SPTF है, स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड। ये एक स्पेसिफिक फंड है हाउस्ड विद इन द यूएन सेक्रेटेरिएट, एंड ये इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि रिसीव, कंसोलिडेट, मैनेज एंड अकाउंट फॉर ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द न्यू रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम in a transparent and effective way। फंडिंग सोर्सेज के अंदर 3 स्ट्रीम्स हैं, एक तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स, देन डबल करना कॉस्ट शेयरिंग अमाउंट्स को फ्रॉम द यूएन एंटिटीज, एंड 1% का लिवाई भी अप्लाई करना टू द कॉन्ट्रीब्यूशन। यूएस प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर क्या है? यूएस प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम जो है यूएन की सभी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता है एंड डील करता है कि किस तरीके से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाए फॉर डेवलपमेंट। इसका एम यही है कि अलग अलग यूएन एजेंसीज को एक साथ लाया जा सके ताकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़े ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज एट द कंट्री लेवल। जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो दैट आल्सो लीड यूएन कंट्री टीम्स इन 129 कंट्रीज, एंड वो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं सेक्रेटरी जनरल के फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशंस। नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेजिडेंट ने कहा कि देर इज अ नीड ऑफ रिन्यूड एफर्ट्स फॉर इंडिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले। ये यूएनजीएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गन है यूएन का, एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, एंड आपके जो रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना एंड यूएस, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड 10 इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं फॉर ऑन अ रीजनल बेसिस, एंड मंथली ये रोटेट भी होते रहते हैं बॉडी की जो प्रेजिडेंसी होती है अमंग इट्स मेंबर। नाउ ये मोस्ट पावरफुल बॉडी है, मेन एम यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसके अंदर बना रहे। जो रिफॉर्म्स हैं वो 5 की इशूज पर ध्यान रखते हैं, एक तो मेंबरशिप को लेकर, वीटो को लेकर, रीजनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, साइज ऑफ एनलार्ज्ड काउंसिल को लेके, वर्किंग मेथड्स को लेके। इंडिया की डिमांड क्या है? इंडिया कह रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है अलॉन्ग विद ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। नाउ इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि इंडिया यूएन का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर भी दिए हैं ट्रूप्स
यूएन पीस कीपिंग मिशंस को इंडिया ने 8500 स्कीपर्स भी दिए हैं फील्ड में, जो कि यूएन की 5 बिग पावर्स के ट्वाइस है। एंड इंडिया काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी का एंड उसका इंक्लूजन का भी एज अ परमानेंट मेंबर। एंड यूएनएससी का हम 7 टर्म से मेंबर भी रहे हैं, G77 के भी मेंबर हैं, G4 के भी मेंबर हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट WTO रिफॉर्म्स एंड मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो WTO रिफॉर्म्स जो हैं वो सभी ले लिए हैं मेंबर कंट्रीज ने, ये पीयूष गोयल जी ने बताया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन उसे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो रियलिटी फेस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे नॉन कॉस्मेटिक एक रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि 21st ये सेंचुरी है जहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट केसेस, क्योंकि ये कंटिन्यू टू बी फाइल फॉर द टाइम बीइंग। एंड दूसरा, टेक्निकल फंक्शनिंग भी इनएडिक्वेट है एंड जो डायमेंशंस हैं वो भी इसके फ्रेजाइल हो गए हैं। जो फंक्शनिंग है स्टेट एंटरप्राइज की, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इंगेज है, वो इंटरफेयरिंग है एंड इट डिस्टॉर्टिंग द ऑपरेटिव अजम्पशंस ऑफ GATT, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। काफ़ी सारे WTO के जो मेम्बर्स हैं दे बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सब्सिडीज़ को यूज़ करें एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उससे ब्लॉकेजेस आते हैं सिस्टम के अंदर, एंड दे प्रॉम्प्टेड एज अ प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस इन द नंबर ऑफ WTO मेंबर्स। ब्लॉकेज एंड डेडलॉक होना अपीलेंट बॉडी स्टेज में, इससे भी प्रेजेंट क्राइसिस क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं। WTO ने जो क्रिटिकल बैलेंस है वो खो दिया है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट करती थी एंड ए बाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म टू काउंटर डैमेजिंग प्रोटेक्शनलिज्म, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिटिगेशन बेस्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट देखती थी। काफ़ी टाइम से जो मल्टीलेटरल सिस्टम है ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने का, ये इंटेंस स्क्रूटनी के अंदर है एंड कॉन्स्टेंटली इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? एक वाइब्रेंट WTO जो है वो एकोमोडेट नहीं कर सकता कन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक मॉडल्स को। सभी WTO मेंबर्स को एक्सेप्ट करना होगा ऑपरेटिव अजम्पशंस एंड प्राइवेट सेक्टर एंड कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेगोशिएशन लॉन्च करने होंगे ताकि जो इंटरवेंट इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के, इन्हें देखा जा सके। एक क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आना होगा एंड सीरियस नेगोशिएशंस लॉन्च करनी होंगी। GATT WTO रूल्स जो हैं इन अ नंबर ऑफ एरियाज़ वो आउटडेटेड हो गए हैं, नए रूल्स की ज़रूरत है। नाउ इज़ द WTO बिकमिंग अ न्यू बैटल फ्रंट? तो US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अर्लियर दिस मंथ अटैक किया था WTO में कि वो ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया एंड चाइना को वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। मिस्टर ट्रंप ने डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है जो चाइना और इंडिया इंजॉय कर रहे हैं उसके ऊपर इशू उठाया था। उन्होंने कहा कि ये कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री नहीं है जैसा कि ये क्लेम करती हैं, बल्कि ये ग्रोन इकोनॉमीज हैं एंड इन्हें जो प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट है WTO के थ्रू वो नहीं मिलना चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस क्या होता है? इससे जो WTO के मेम्बर्स हैं एक टेम्पररी एक्सेप्शन मिल जाता है कुछ कमिटमेंट से, एंड ये इंट्रोड्यूस हुआ था WTO के स्टार्टिंग डेज में जहाँ पे जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको मदद करने की बात कही गई थी। तो WTO फॉर्मली क्लासिफाई नहीं करता किसी भी मेंबर को डेवलपिंग कंट्री, बल्कि इंडिविजुअल कंट्री खुद को क्लासिफाई करते हैं कि हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं एंड जो 2/3 164 मेंबर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही आते हैं। इंडिया एंड चाइना जैसे कि एक्सेप्शन ले रहे हैं WTO एग्रीमेंट से, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी कंसिडर करें एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि US, दे हैव ट्राई टू फोर्स पुअरर कंट्रीज कि वहाँ पर लेबर सेफ्टी एंड दूसरे रेगुलेशंस लगाए जाएं जैसे कि वेस्ट में प्रिवेल कर रहे हैं। ये जो रेगुलेशंस हैं इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने कहा कि जो लेबर इशूज को इंट्रोड्यूस करना इनटू ट्रेड एग्रीमेंट्स एज बियॉन्ड द स्कोप, सो दिस विल नॉट बी बेनिफिशियल। बेनिफिट क्या मिलते हैं? अगर हमें जो डिसएडवांटेज इकोनॉमिक स्टेटस है ये थोड़े इसकी मदद मिल जाती है एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो WTO के एग्रीमेंट्स को थोड़ा डिले कर सकते हैं, टैरिफ्स एंड कोटाज लगा सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे ताकि इम्पोर्ट्स कम हो सके एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट कर सके कि वो लोग गुड्स को बनाएं। नाउ क्या एलिगेशन US अब लगा रहा है? US
ने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है वो इसीलिए था कि पुअर कंट्रीज़ को मदद मिलेगी कि वो भी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ काम कर सके, लेकिन इससे अनइंटेंडेड इफेक्ट्स आ रहे हैं। WTO ने मेंबर्स को क्लासिफाई किया एज डेवलपिंग एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ बहुत हैप्पी हैं इस फ्रीडम को यूज़ करते हुए। यहाँ तक कि काफ़ी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी जैसे सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग जिनकी पर कैपिटा इनकम US से भी ज़्यादा है, वो भी अपने आप को ग्रोइंग इकोनॉमीज़ क्लासिफाई करती हैं। चाइना जिसका पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है एंड वो भी अपने आप को डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कैटेगराइज करती है। तो फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट यही है कि जो लो पर कैपिटा इनकम लेवल्स हैं दे जस्टिफाई देयर डिसीजन एंड वो ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस लेना वो फॉल्स प्रेटेक्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। नाउ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एफिलिएट करता है एशिया पैसिफिक ग्रुप्स को एंड इन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि वो टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिक्वायर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाया। पाक ने जो पाकिस्तान है उसने 40 जो पैरामीटर्स थे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के उसमें से 32 को वो कंप्लीट नहीं कर पाया एंड 11 इफेक्टिव पैरामीटर्स में से वो लो इन 10 रहे। बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाला था जून में ताकि वो एंटी टेरर फाइनेंसिंग को रोके, बट वो कुछ नहीं कर पाए एंड इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। तो क्या है ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनी थी। G7 का इनिशिएटिव है, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि वर्क करती है कि कुछ पॉलिटिकल विल के लिए एंड नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने होंगे। FATF का जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस में ही है। ऑब्जेक्टिव यही है कि लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स को इफेक्टिवली यूज़ करना होगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल किया जा सके टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। ओके, देन ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट क्या होती है, टू डिफरेंट लिस्ट होती हैं कंट्रीज़ में जिनका AML या जो CETF रिजाइम्स है उसके अंदर कमी हो एंड दे कमिट टू एक्शन प्लान टू एड्रेस देयर लूप होल्स एंड तो वो ग्रे लिस्ट के अंदर आती हैं पहले फिर ब्लैक लिस्ट के अंदर। अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाती हैं जैसे कि टू कंट्रीज़ पहले से ही हैं, एक तो ईरान और एक नॉर्थ कोरिया, एंड जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में 7th है नंबर पे, जिसके अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया एंड यमन भी है। तो उनको ड्यू डिलीजेंस नहीं मिलती एंड जो कॉस्ट होती है बिजनेस करने की दूसरी कंट्री के साथ वो बढ़ जाती है। नाउ एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, APG, ये FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप रीजनल एफिलिएट है FATF का ही एंड ये इसीलिए वर्क करता है ताकि सारी कंट्रीज अडॉप्ट करें एंड इम्प्लीमेंट करें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को, काउंटर करें टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को एंड कंट्रीज़ को हेल्प करता है इस चीज़ से लड़ने के लिए। एट प्रेजेंट 41 मेंबर्स हैं जिसमें से जो 11 कंट्रीज़ हैं वो भी मेंबर हैं हेड FATF की, जिसमें इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, हांगकॉन्ग, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड US आते हैं। नाउ वर्ल्ड स्किल्स कजान 2019, तो 45th वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन हुआ कजान एक्सपो इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर इन कजान रशिया के अंदर। ये एक वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल है जो कि हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होता है, सबसे बड़ा वोकेशनल एजुकेशन है एंड एम इसका यही है कि जो एडवांटेजेस है वोकेशनल स्किल्स सीखने की वो बढ़ाई जा सकें। वर्ल्ड स्किल्स क्या है, वर्ल्ड स्किल के अंदर 79 स्टेट्स हैं एंड अगेन दे प्रिपेयर द वर्क फोर्स एंड टैलेंट ऑफ टुडे। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल को इंटरनेशनल वेकेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। 1940 में ये बनी थी ताकि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जा सके क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से डिवास्ट हो गई थी। ठीक है, देन आपका आता है वर्ल्ड स्किल्स इंडिया क्या है, ये एक इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जो NSDC है वो वर्ल्ड स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू एक लीड भी कर रहा है कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन में इन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सिंस 2011। फ़ायदे क्या होंगे, स्किल्स प्रोमलगेट होंगी, स्किल्स के अंदर हम चैम्पियन बनेंगे, स्पॉन्सरशिप्स इन्वाइट हो पाएंगी, लिंक्स एंड एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो पाएंगी। नाउ IMF स्टैंडर्ड्स फॉर डाटा डिसमिनेशन,
तो आईएमएफ की जो एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट आई है स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड पे फॉर 2018, तो इंडिया उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। जो ईयरली ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट होती है हर कंट्री के लिए, वो बताती है कि क्या कॉम्प्लाइंसेज हो पाए एंड क्या डेविएशंस हो पाई फ्रॉम SDDS, दैट इज़ अ स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। एंड 20 डाटा कैटेगरीज़ हैं इस रिपोर्ट के लिए, ताकि देखा जा सके, नेशनल अकाउंट्स देखे जाते हैं, GDP, GNI, प्रोडक्शन इंडाइसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तीन टाइप के डेविएशंस हैं, पहला वो जो SDDS की को डाटा डिसेमिनेशन में डिले कर दें, दूसरा वो जहाँ पे मेंबर कंट्रीज लिस्ट ना कर पाए डाटा कैटेगरी को इन देयर एडवांस रिलीज कैलेंडर्स, एंड तीसरे वो जहाँ पे डाटा डिसेमिनेटेड नहीं हो पाती फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। SDDS स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड एक ग्लोबल बेंचमार्क है फॉर डिसेमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स टू द पब्लिक, एंड ये इंडिकेट करती है कि कंट्री मीट कर सकती है टेस्ट ऑफ गुड स्टैटिकल सिटीजनशिप, एंड वो कंट्रीज जो SDDS को सब्सक्राइब करती हैं उन्हें गुड प्रैक्टिसेस मिलती हैं, खास करके चार एरियाज़ में, दैट इज़ कवरेज, पीरियोडिसिटी, टाइमलीनेस ऑफ डाटा, पब्लिक एसेस टू दोज डाटा, डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा क्वालिटी। नाउ SDDS प्लस क्या है, ये हाईएस्ट टायर है फंड्स डाटा स्टैंडर्ड इनिशिएटिव का, एंड ये सभी SDDS सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है, एंड इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट्स ये एम्फेसाइज करता है स्ट्रॉन्गर डाटा डिसेमिनेशन प्रैक्टिसेस पर भी। जो डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स है ये इन्हेंस करते हैं कि टाइमली एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स मिल पाए, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन पाए एंड फाइनेंशियल मार्केट्स भी अच्छे से फंक्शन करें। नाउ G7 ब्लॉक, तो G7 का 45th जो समिट है वो फ्रेंच टाउन बियारिट्स के अंदर हुआ। G7 समिट, 7 पावरफुल इकोनॉमीज हैं इसके अंदर, एंड मतलब यही कि जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए। ये प्रेसाइडेड ओवर रहा 2019 फ्रांस के थ्रू, एंड फोकस रहा कि इनइक्वालिटी से फाइट करना है। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनवायरनमेंट इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, ग्लोबलाइजेशन के सोशल डायमेंशन को मजबूत करना है, एक्शन लेना है ताकि पीस अचीव कर सकें हम अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेररिज्म, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैप करना होगा बाय विच आर बीन क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। G7 जो कि ओरिजिनली G8 था, 1975 में बना था, एक इनफॉर्मल फोरम था लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स हैं एंड फॉलोइंग कंट्रीज हैं इसके अंदर, देखिए कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूएस है। G7 ग्लोबल एजेंडा देखता है, मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, एंड इनके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दे अब एक ऑनगोइंग ट्रेड वॉर भी चल रही है बिटवीन US एंड चाइना, तो जो यूरोपियन बैक्ड न्यूक्लियर डील है विद ईरान वो भी अपोज की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एंड जो इशू थे हांगकॉन्ग के वो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्रिटिसिज्म G7 के हैं, तो G7 जो है इट टेंड्स टू अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड इज प्रोटेक्टेड बाई थाउजेंड्स एवरी ऑफ ईयर। प्रोटेस्टर क्लेम करते हैं कि G7 इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अफ्रीका का, रशिया का, मिडल ईस्टर्न नेशन का। जो प्रोटेस्ट ग्रुप्स हैं वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ताकि जो इश्यूज हैं इम्पॉर्टेंट उन्हें डिस्कस किया जाए, ना कि जो मतलब एज अ लॉबी एंड कॉम्पेन। जो G7 लीडर्स हैं वो एक गैप को बढ़ा रहे हैं बिटवीन दोज विच आर हैव्स एंड हैव नॉट्स। ओके, देन इसकी पॉलिसीज एंड एक्शंस जो कि अनइक्वल इकोनॉमीज क्रिएट करती हैं, कि कुछ ही लोग हैं ये लोग जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है, गवर्नमेंट इनकी फेल है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड ये पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन, फॉरन एड इनको भी फंड नहीं दे पा रहे हैं, कम कर रहे हैं, एंड अंडर टैक्सिंग करते हैं कॉरपोरेशंस एंड वेल्थ की, एंड एमिशंस को भी नहीं कम करने के लिए कुछ खास कर रहे हैं, एंड दे प्रोमोट सेक्सिज्म ऑल्सो। नीड ऑफ द आर क्या है, टैक्स मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा रिच इंडिविजुअल्स के लिए, एंड वेल्थ टैक्सेस को कैसे यूज़ किया जाए ताकि पावर्टी एंड इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। इन्वेस्ट करना होगा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में, वर्क करना होगा लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए एंड जीरो तक लाया जाए बिफोर मिड सेंचुरी। ये आप डाइग्राम देख सकते हैं, ये G20 है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 8, तो G20 के अंदर तो ये सभी आते हैं। G8 के अंदर, इसके अंदर बस ये जो अभी 7 कंट्रीज़ के नाम लिए इसके साथ रशिया और आ जाता है। ठीक है, G20 का पार्ट इंडिया है, ये ध्यान रखिएगा, G20 का पार्ट इंडिया है एंड G8 एंड G7 का पार्ट इंडिया नहीं है। एक और बात आपको साथ में क्या ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान किसी का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, ना ही G20 का, ना ही G8 का, ना ही G7 का। ओके, नाउ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि व्लैडिवोस्टोक के अंदर हुई एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 5 सितंबर को इसे कंडक्ट किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड दिस इज हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द डिक्री ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन इन 2015। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन की बात होती है, ओके, डिस्कशंस होते हैं, राउंड टेबल्स होती हैं, बिजनेस डायलॉग्स होते हैं एंड लीडिंग पार्टनर कंट्रीज होती हैं एशिया पैसिफिक रीजन की, आशियान की। ओके, तो अबाउट द फार ईस्ट भी जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का एंड जो मैक्रो रीजन बॉर्डर है वहाँ पे 2 ओशियंस हैं, एक तो पैसिफिक एंड आर्कटिक और 5 कंट्रीज़ हैं चाइना, जापान, मंगोलिया, US एंड DPR के। जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है वो 1/3 ऑफ कंट्री टेरिटरी को कवर करती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे जैसे कि डायमंड, स्टैनरी, बोरेक्स मटेरियल, 50 गोल्ड, टंगस्टन, फिश, सी फूड। 1/3 वहाँ पे कोरल रिजर्व एंड हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज है एंड फॉरेस्ट भी जो है वो 30% फॉरेस्ट एरिया आता है रशिया का ही। नाउ वी विल रीड सम टॉपिक्स ऑफ GS सेकेंड, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, तो RBI ने कहा कि जो बोर्ड है ऑफ स्टेट रन बैंक्स, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को थोड़ा टाइट करना होगा। जो रिवाइज नॉर्म्स हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अप्लीकेबल होंगे। RBI के अकॉर्डिंग जो फिट जो RBI के जो डायरेक्शंस हैं 2019 के, सभी बैंक्स खास करके SBI या नेशनलाइज्ड बैंक्स, उन्हें एक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी को इस्टेब्लिश करना होगा। सेंटर का जो नॉमिनी डायरेक्टर होगा वो पार्ट नहीं होगा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी NRC का। जो टर्म्स होगी NRC की एंड जो मैनर है अपॉइंटमेंट का वो अलाइंड विद द प्रैक्टिस इन प्राइवेट बैंक्स एंड जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। NRC के अंदर 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे फ्रॉम अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 1/2 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड 1 मेंबर होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से। एलिजिबिलिटी क्या है, जो कैंडिडेट इलेक्टेड डायरेक्टर बनना चाहता है वो ग्रेजुएट हो एंड 35 to 67 ईयर्स ओल्ड एज हो उसकी, ठीक है, इसके बीच में नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की एंड जो इलेक्टेड डायरेक्टर होगा वो 3 साल के लिए ऑफिस को हेल्ड करेगा एंड री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। ओके, एंड नो डायरेक्टर होल्ड ऑफिस, कोई भी डायरेक्टर 6 साल से ज़्यादा मतलब नहीं काम कर सकता कंटिन्यूअसली या फिर इंटरमिटेंटली। वट विल ऑल्सो बी अंडर स्क्रूटनी, लिस्ट ऑफ एंटिटीज होंगी जिसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर है उसका इंटरेस्ट हो। एंड नेगेटिव लिस्ट क्या कहती है, कैंडिडेट मेंबर नहीं बन सकता है बोर्ड का ऑफ एनी बैंक, RBI का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इंश्योरेंस कंपनी का या फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का। जो कैंडिडेट है वो हायर परचेज से, फाइनेंसिंग से, मनी लेंडिंग से अपने आप को कनेक्ट ना करें, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे एंड बैंक बोर्ड के अंदर आप इलेक्ट नहीं हो सकते अगर आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो। एंड आपको स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर काम नहीं करने चाहिए, आप MP या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नहीं होने चाहिए एंड यू शुड नॉट बी अ पार्टनर ऑफ CA फर्म, ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वह पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की जिसके अंदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है टू अचीव द स्टेबलाइजेशन एंड ये गोल्स के अकॉर्डिंग। तो RBI के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करे एंड ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है RBI Act 1934 में।
तो इसमें आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, कॉरिडोर है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मीन्स जब रिजर्व बैंक है वो लोन देता है बैंक्स को, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट उनको पे करना होता है, जिस इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जहाँ पे जो रिजर्व बैंक है वो लोन ले लेता है बैंक से एंड वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को देगा दैट इज रिजर्व रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, इसके अंदर होता है रेपो ऑक्शंस भी एंड ओवरनाइट भी। तो जो रिजर्व बैंक है वो लिक्विडिटी को और इंक्रीज करते हैं फाइन ट्यूनिंग वेरिएबल के थ्रू, एंड एम जो होता है रेपो का वो यही होता है कि इंटर बैंक जो टर्म मनी मार्केट है वो बढ़ सके एंड इट कैन सेट अप मार्केट बेस्ड बेंचमार्क्स फॉर प्राइजिंग ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स एंड जो ट्रांसमिशन है मॉनिटरी पॉलिसी का वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है इंटरेस्ट रेट एंड रिवर्स रेपो दोनों के साथ काम किया जाता है एज अंडर द मार्केट कंडीशंस। देन मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक से और ज़्यादा लोन लेते हैं ओवर द नाइट, तक क्योंकि उनका जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो कम हो जाता है, दैट्स वाई तो सेफ्टी वैल्व की तरह उसे यूज़ किया जाता है। कॉरिडोर जो मार्जिनल स्टैंडिंग रेट है और जो रिवर्स रेपो है वो बताते हैं कि डेली मूवमेंट के लिए कितना मींस अमाउंट चाहिए एवरेज कॉल मनी रेट के लिए। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। कैश रिजर्व रेशो कि बैंक को मिनिमम कितना रिजर्व अपने बैंक में रखना होगा एज पार्ट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसे गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू रिजर्व बैंक जो होता है वो नोटिफाई भी करता रहता है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो कि कितने सेफ एंड लिक्विड एसेट्स रखने होंगे जैसे कि अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश एंड गोल्ड, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ या ऑपरेशंस जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा एंड बेचा जाता है लिक्विडिटी अचीव करने के लिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये मॉनिटरी मैनेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जिसे 2004 में स्टार्ट किया गया था ताकि जो सरप्लस लिक्विडिटी है क्योंकि लार्ज कैपिटल इनफ्लोज होते हैं उन्हें जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके एंड ट्रेजरी बिल्स को सेल करके जो लिक्विडिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। नाउ हिस्ट्री ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया। नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का 1969 में एंड 19 जुलाई दैट ईयर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था एंड 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था फिर 1980 के अंदर। नेशनलाइजेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लार्ज शेयर होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का एंड इंडिया का जो रूरल फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स का डोमिनेशन बहुत है, नीड्स को मीट नहीं कर पाते। जो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है वो रूरल एरियाज़ की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। 1969 के बाद इंडिया की जो बैंकिंग पॉलिसी थी वो एक मल्टी एजेंसी अप्रोच को फॉलो कर रही थी एंड एज अ पार्ट ऑफ न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी बैंक्स को कहा गया था कि हर ब्रांच को मेट्रोपॉलिटन पोर्ट एरिया में भी खोला जाएगा, 4 न्यू ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरियाज में भी खोली जाएंगी। तो जो रूरल बैंक ब्रांचेस थी वो 1833 से 35206 हो गई थी 1991 तक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया एंड कहा गया कि जो बैंक्स हैं वो मतलब 40% जो है उनका नेट बैंक क्रेडिट वो एक तरफ रखेंगे एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, हाउसिंग, एजुकेशन एंड वीकर सेक्शंस के लिए। एक डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया 1974 में जहाँ पे लोन प्रोवाइड किए गए कम इंटरेस्ट रेट पे वीकर्स को। लीड बैंक स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस की गई जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक दिया गया जो कि पेस सेक्टर्स की तरह काम करेगा। रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में खोले गए ताकि रूरल एरियाज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल पाए। देन नेबार्ड 1982 में ताकि कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB के जो फंक्शंस हैं उन्हें रेगुलेट एंड सुपरवाइज किया जा सके। आउटकम्स एडमिरेबल रहे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के जो शेयर है वो 16.9 से बढ़कर 64% हो गए 1992 में। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का भी इंप्रेसिव ग्रोथ रहा एंड
13.9% इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ के 24.1 हो गई, ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी को भी अच्छे से यूज़ किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक इंटरेस्ट रेट, इनको इफेक्टिवली यूज़ किया गया ताकि जो बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज़, बैकवर्ड रीजन एंड अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को मिल सके। चेंजेस 1991 के बाद तो नरसिम्हम कमेटी अपॉइंट की गई थी जिसने रिकमेंड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी को रीडिस्ट्रीब्यूशनलिस्ट गोल से अलग कर दिया जाए, बैंक को कुछ आप फ्रीडम दीजिए एंड विद प्रॉफिटेबिलिटी एज द मेन गोल। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने बैंक को अलाउ किया कि वो जहाँ चाहे अपने ब्रांचेस को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस को भी डाइल्यूट किया गया एंड बैंक को अलाउ किया गया कि वो उन एक्टिविटीज़ में लैंड कर सकते हैं जो कि रिमोटली कनेक्टेड हो विद एग्रीकल्चरल बिग कॉरपोरेट हाउसेज। इंटरेस्ट रेट जो रेगुलेशंस थी उन्हें भी हटाया गया था। इम्पैक्ट आउटकम्स विजिबल रहे, 900 रूरल बैंक ब्रांचेस कंट्रोल में बंद की गई, जो ग्रोथ था एग्रीकल्चरल क्रेडिट का वो 7% से 2% पे आ गया। पब्लिक बैंक्स की जो रेट थी वो बढ़ी 1991 से 2002 तक, जो आउटस्टैंडिंग डेप्ट था उसकी जो द शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज वो 64% से घटकर 57.1 आ गया। 2004 के बाद क्या चेंजेस आए, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है विद इन 3 ईयर्स वो जो पॉलिसी थी डबल करने की वो अच्छी अनाउंस की गई एंड सिर्फ पब्लिक बैंक्स के थ्रू ही ये काम हो सकता था। तो 2005 में आरबीआई ने एक न्यू ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी भी खोली एंड जो परमिशन थी न्यू ब्रांचेस की वो उसी को दी गई अगर आरबीआई सेटिस्फाई हो पाता था। तो 2011 तक आरबीआई ने इस प्रोसीजर को दोबारा से टाइट किया एंड ये मैंडेट किया कि 25% ब्रांचेस आपको अनबैंक्ड सेंटर्स में खोलनी होंगी। रिजल्ट क्या रहा, अभी मैंने आपको बताया था कि 30,000 समथिंग थी, फिर देखिए 2015 में 48,536 ब्रांचेस हो गई। एनुअल ग्रोथ रेट 2% से बढ़कर 18% हो गया। देन 2010 एंड 2016 के बीच में जो नो फ्रिल्स अकाउंट्स था फॉर द अनबैंक्ड पुअर फेल अपॉन द पब्लिक बैंक्स। नाउ व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द पब्लिक बैंक्स एंड इनकरेज करना होगा पब्लिक बैंक्स को कि वो लैंड करें मोर फॉर रिटेल एंड पर्सनल लोन्स, हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एंड व्हीकल लोन्स। सो नाउ वी विल रीड अबाउट पार्शियल। इसके अंदर ना आप ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, द सॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड इज अ प्रीवर्स वन दैट इज प्राइवेटाइजेशन, द गूज दैट ले गोल्डन एग्स इज बीइंग किल्ड। नाउ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2PSBS, तो अनाउंसमेंट हुई थी यूनियन बजट 2019-20 में, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की रिगार्डिंग पार्शियल क्रेडिट गारंटी एंड ये वन टाइम पार्शियल गारंटी क्रेडिट है टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर परचेज ऑफ पूल्ड एसेट्स ऑफ फाइनेंशियली साउंड NBFCs। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टेम्पररी एसेट लाइबिलिटी है एंड जो मिसमैचेस हैं ऑफ अदरवाइज सॉल्वेंट NBFCs एंड HFCs विदाउट हैविंग अ रिजोर्ट टू डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर एसेट्स फॉर मीटिंग देयर कमिटमेंट्स। इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है, जो विंडो है वन टाइम पार्शियल क्रेडिट गारंटी की विच इज़ ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ओपन रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द स्कीम बाई द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड उस डेट तक जब तक 1 लाख करोड़ एसेट्स गेट परचेज्ड बाई द बैंक्स जो भी पहले हो जाए, ठीक है। सिग्निफिकेंस जो स्ट्रेस है NBFCs का HFCs का वो स्लो डाउन लेकर आ रहा है कंट्री के अंदर, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी NBFCs को। तो जो गाइडलाइंस हैं स्कीम के अंदर जो बात कही गई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गारंटी देगा कि जो 10% फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी परचेज्ड बाय अ बैंक फ्रॉम द स्ट्रेट स्ट्रेस्ड NBFCs और HFC, इससे जो स्कीम है वो 1 लाख करोड़, वही अगेन 1 लाख करोड़ या फिर 6 महीने। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगी ऑन ट्रांजेक्शन्स इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम PSB एंड एक कॉपी भी सेंड करेगी बजट डिवीजन को ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन आपके जो NBFCs हैं वो फ़ी भी पे करेंगे गवर्नमेंट को एट 0.25% पर एनम ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड टू बैंक्स एंड वो अपने 20% स्टैंडर्ड एसेट्स भी सेल कर पाएंगे जो कि 5,000 करोड़ के हैं एंड एसेट्स कम से कम AA या इक्विवेलेंट रेटेड होने चाहिए, अप्रोप्रिएट कैपिटल हो एंड नेट NPA जो हो ऑफ लेस देन 6% एंड NBFCs को रिवर्क करना होगा एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर पे विद इन 3 मंथ्स। जो वन
टाइम गारंटी है ऑन द पूल्ड एसेट्स वो 24 महीने के लिए वैलिड रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड कैन बी इन्वोक्ड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. तो ये आप एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लें. नेगेटिव रेट पॉलिसी एंड वंस कंसीडर सिर्फ उन्हीं इकोनॉमीज़ के लिए थी जहाँ पे कम इन्फ्लेशन हो जैसे यूरोप एंड जापान, लेकिन अब ये अट्रैक्टिव ओपिनियन बनता जा रहा है कुछ सेंट्रल बैंक्स के लिए. तो नेगेटिव रेट्स क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है एंड लेमान ब्रदर्स ने भी जो 2008 में किया तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नियर ज़ीरो भी कर दिए थे. तो अ डिकेड लेटर जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो कम ही रहे थे एंड काफ़ी कम रूम बचा और रेट्स को कम करने के लिए. तो काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स जो थे वो अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर्स पर चले गए एंड जो यूरो एरिया है स्विट्ज़रलैंड डेनमार्क स्वीडन जापान उन्होंने अलाउ किया कि वो रेट्स को फॉल करेंगे स्लाइटली बिलो ज़ीरो. कैसे काम करता है नेगेटिव रेट पॉलिसी के अंदर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है बिकॉज दे वांट टू पार्क देयर एक्सेस रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेनलाइज भी करता है फॉर होल्डिंग ऑन टू कैश एंड प्रॉम्प्टिंग दैम टू बूस्ट लैंडिंग. नाउ प्रोस क्या है नेगेटिव रेट्स के, इससे बोरिंग कॉस्ट कम होती है एंड कंट्री की जो करेंसी रेट है हेल्प दैम वीकन अ करेंसी कंट्रीज करेंसी रेट, क्योंकि लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है. वीकर करेंसी होगी तो उससे जो कंट्री के एक्सपोर्ट होंगे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है. ओके एंड कॉन्स क्या है, नेगेटिव रेट जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर लेकर आते हैं एंटायर यील्ड कर्व पर, नैरो कर देते हैं मार्जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड अगर अल्ट्रा लो रेट्स जो है वो प्रोलॉन्ग्ड रहें तो उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ पे भी असर पड़ता है. आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जिस्टिंग माइक्रो क्रेडिट मॉडल, तो माइक्रो क्रेडिट मॉडल भी आप हम कर चुके हैं ये भी ऑलरेडी कि ग्रांट करना होगा स्मॉल लोन्स को. नहीं ये हमने नहीं किया है तो इसको हम कर लेते हैं. माइक्रो क्रेडिट ने गेन किया है मच ट्रैक्शन एज अ टूल कि वेलफेयर दिया जाए उन लोगों को जो कि इम्पावरिश्ड है. तो काफ़ी छोटे लोन्स दिए जाएंगे इम्पावरिश्ड बोरोअर्स को ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके एंड अपने बिजनेस को मजबूत किए जा कर सके. तो ध्यान रखिएगा छोटा लोन होगा ताकि बड़ी इकोनॉमी में उन लोगों को हेल्प मिल सके जो कि आउटसाइड रह जाते हैं एंड वो अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सके, पावर्टी एलिविएट कर सके. ओके तो बाकी इसके अंदर सारे गुड पॉइंट्स हैं. नाउ गवर्नमेंट अनवील्स पैकेज टू स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ. हाँ तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए ताकि ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके, कंजम्पशन को बूस्ट किया जा सके एंड सरचार्ज जो है वो विड्रॉ कर लिया गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे भी. आधार बेस्ड जो KYC था फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की जो वर्किंग रही कि रुपी मार्केट को ऑफशोर किया जाए टू डोमेस्टिक मार्केट एंड गवर्नमेंट RBI के साथ भी कंसल्ट करेगा फॉर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ऑप्शंस. CSR के जो वॉयलेशन है वो सिविल ऑफेंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं. जितने भी पेंडिंग GST रिफंड्स हैं उन्हें 30 दिन के अंदर पे करना होगा एंड जो फ्यूचर है उन्हें 60 डेज के अंदर. गवर्नमेंट GST सिस्टम को भी सिंप्लीफाई करने जा रही है. ऑटो सेक्टर में जो BS4 कार्स है वो मार्च 2020 तक परचेज की जाएंगी. इट विल रिमेन ऑपरेशनल. जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा कि पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस करें एंड हायर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी भी डेफर करने की बात कही गई है टू जून नेक्स्ट ईयर. हायर डेप्रिशिएशन फॉर ऑल व्हीकल डेप्रिशिएशन इंक्रीज करना होगा टू 30% फॉर ऑल द व्हीकल परचेज टिल मार्च 2020. स्क्रैपेज पॉलिसी भी जल्दी ही अनाउंस की जाएगी. MSMEs के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स प्रोविजन को विड्रॉ कर लिया. स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी अलाउ की. MSME लोन्स के लिए लॉज को अमेंड करने की बात कही गई टू इंश्योर वन MSME डेफिनेशन. होम ऑटो लोन्स बैंक्स जो है वो होम ऑटो लोन्स को सस्ता करेंगे. ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होगा. PSB जो है वो लोन डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करेंगे टू कस्टमर्स विद इन 15 डेज ऑफ लोन क्लोजर. इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो है वो टैक्स हैरेसमेंट को एंड करने की कोशिश करेगा. 1 अक्टूबर से सभी इनकम टैक्स नोटिसेस को डिस्पोज ऑफ करना होगा विद इन 3 मंथ्स. NBFCs अब आधार बेस्ड KYC यूज कर सकते हैं. प्री पेमेंट नोटिसेस भी इशू किए जाएंगे NBFCs को एंड इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द बैंक्स. एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सपोर्ट मिल सके बाय नेशनल हाउसिंग बोर्ड ऑफ ₹30,000 करोड़. गवर्नमेंट 70,000 करोड़ रुपए और भी रिलीज करेगा PSPs
पीएसबीज रिकैपिटलाइजेशन के लिए। तो इसके बाद आपको सारे गुड पॉइंट्स लिखने हैं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल। नाउ एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स दैट इज़ ABBF, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ये बनाया है ताकि 50 करोड़ से ज़्यादा का अगर बैंक फ्रॉड हो तो उसको एग्जामिन किया जा सके एंड एक्शन भी लिया जा सके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स सपोर्ट भी दिया जाएगा। चेयरमैन के अलावा 3 और मेम्बर्स होंगे। जो चेयरमैन हैं उनका जो मेम्बर्स हैं उनका टाइम पीरियड रहेगा 2 ईयर्स के लिए, 21 अगस्त 2019 से। इसके बाद आपको सारे मतलब प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी सभी पॉइंट्स आपको मेंस में काम आएंगे। फ्रॉड केसेस मैंने आपको बता दिए, 50 करोड़ से ज़्यादा वाले, ठीक है। नाउ आरबीआई का पैनल ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। ये अमाउंट ध्यान रखिएगा, 1.76 लाख करोड़ डिविडेंड एंड सरप्लस रिजर्व्स, तो डीएस से ध्यान रख लीजिए जितने भी एक्सेस रिजर्व्स हैं। एंड ये रिकमेंडेशन दी थी पहले आरबीआई गवर्नर बिमल जलान ने, लेड पैनल ने, कि डिसाइडेड साइज ऑफ कैपिटल रिजर्व्स। तो आरबीआई ने एक पैनल जो है वो बनाया एंड इट वॉज हेडेड बाई एक्स आरबीआई गवर्नर बिमल जलान। तो इशू क्या था, गवर्नमेंट जो थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि सेंट्रल बैंक हैंड ओवर अपने जो सरप्लस रिजर्व्स है वो उसको सेंड कर दे, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है, मींस ये वो रिस्क कैपिटल है जो कि सेंट्रल बैंक को चाहिए वाइल टेकिंग इनटू डिफिकल्ट रिस्क। एंड जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है कैपिटल को दैट एन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स और नीड टू होल्ड एज एन काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क और इवेंट्स और लॉसेज इन द फ्यूचर। तो ये आप थोड़ा सा रीड कर लें, ये मैं आपको बता देती हूँ वाई इट नीड्स अ फिक्स। क्योंकि अगर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अच्छा होगा तो आरबीआई की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाएंगी एंड जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को जा पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ कंजर्वेटिव असेसमेंट ऑफ रिस्क बाय द सेंट्रल बैंक्स। एंड जो रिव्यू होगा कि एक्सेस कैपिटल बींग फ्रीड, गवर्नमेंट ये भी बिलीव कर रही है कि आरबीआई जो है वो हायर रिजर्व्स है उनके और उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड यूएस यूके से 13% या 14% ही रखते हैं अपने एसेट्स के, जबकि आरबीआई तो 27% रख रहा है। तो इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि आरबीआई का जो तरीका है रिलीजिंग एक्स्ट्रा कैपिटल को हम प्रोडक्टिव यूज में ले सकते हैं। एंड मेलिगम कमिटी ने कहा कि जो एक्सेस है उनके पास 1.49 लाख करोड़ रुपए। नाउ अरेंजमेंट का तरीका क्या है गवर्नमेंट एंड आरबीआई के बीच में, तो आरबीआई जो है वो प्रमोट करता है एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक इन 1935। उस टाइम पे इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ थी। 1949 में इसे नेशनलाइज्ड किया गया एंड मेकिंग द सॉवरन इट्स ओनर। एंड व्हाट द सेंट्रल बैंक डज कि जो सरप्लस है मीन्स जो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से वो गवर्नमेंट को दे दी जाए, ये सेक्शन 47 में भी लिखा हुआ है। क्या आरबीआई को इन अर्निंग्स पे टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं, वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इन पैसों को वो लोग यूज़ कर सकते थे कहीं और, लेकिन अब गवर्नमेंट को दे दिया गया है। नाउ रीडिस्कवरिंग डेवलपमेंट बैंक्स, तो एक लॉन्ग इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है ताकि क्रेडिट एनहेंसमेंट्स प्रोवाइड की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि इंडिया का पास कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ठीक है। तो ये एक वेलकम इनिशिएटिव है, लेकिन क्वेश्चंस तो फिर भी रहेंगे। डेवलपमेंट बैंक्स होते क्या हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉर द लॉन्ग पीरियड, एंड इस पे लो रेट ऑफ रिटर्न रहता है, जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री के लिए, इरीगेशन सिस्टम के लिए। तो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये दे देती हैं। जो टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी। देन डेवलपमेंट बैंक्स, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, तो जॉन मेनर्ड कीन्स ने आर्ग्यू किया था कि जब बिजनेस कॉन्फिडेंस इतना लो हो, लो इंटरेस्ट रेट्स हो, तो गवर्नमेंट को नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक सेटअप करना चाहिए। फिर और देखते देखते IFCI दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना 1949 में, एंड इंडिया का ये पहला डेवलपमेंट बैंक था जो कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करता है। फिर 1955 में वर्ल्ड बैंक ने ICCI दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बनाया, ठीक है।
1964 में IDBI भी एक एपेक्स बॉडी बनी इन सभी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। तो कैसे इन बैंक्स को इनिशियली फाइनेंस किया गया, RBI की लाइंस ऑफ क्रेडिट देख के, SLR देख के, चैलेंजेस क्या हैं, इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड दिस मे बी कॉज बाय द पॉलिटिकल मोटिवेटेड लैंडिंग। एंड 1991 के बाद जो नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट्स थी उन्होंने भी कहा था कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर टू बी डिसबैंडेड एंड इन्हें कॉमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फिर 10 to 15 years to 5 years इनका टेन्योर होना चाहिए। तो वे अहेड क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो एजेंडा है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का वो वेलकम है, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे कि इन्हें फाइनेंस कहाँ से किया जाएगा। ओके, जो पॉलिटिकल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है उन्हें केयरफुली पास्ट लेसन्स को सीखना होगा ताकि न्यू फाउंडेशन तभी रखी जा सके। मर्जर ऑफ बैंक्स हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे 120 pages हो गए हैं एंड प्लीज़ आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें या फिर कहीं पर लिख लें ताकि आपको याद रहे। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर द वीडियोस।